वर्मा शिवानंद योगा सेंटर से। जैसा कि आप मेरे बारे में जानते ही हैं, पिछली बार हमारी क्लास काफी अच्छी रही थी। जैसा कि आपके कॉलेज के टीचरों ने हमें बताया कि आप लोगों को काफी पसंद आई, आज भी कुछ और नया अनुभव और कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप हमसे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो समय ना लेते हुए पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप द्वारा हम पूरी बॉडी को खोल सकते हैं, फिर उसके बाद
Now enter locking finger near the chest and turn right to left and left to right. पैरों को खोल के रखिए और right to left to right एक अच्छा खिंचाव देंगे. Very good. ध्यान से खिंचाव देते हुए शरीर को वार्म बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं. लॉकडाउन में घर पर रहने से बॉडी स्टिफ हो गई है, तो सॉफ्ट एक्सरसाइज करते हुए हल्के हल्के स्पीड बढ़ाएंगे और हैवी एक्सरसाइजेस बढ़ाते चले जाएंगे. तो पहले वार्म अप करते हुए शरीर को लचीला फ्लेक्सिबल बनाइए. समझिए योगासन के महत्व को. वेरी गुड. एक अच्छा खिंचाव देते जाए. इसे आपको 5 से 10 बार करना है. जिनकी बॉडी ज्यादा स्टिफ है वो इसे 10 से 20 बार भी कर सकते हैं. पैरों को खोलिए और लॉक करते हुए फिंगर को राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट रिलीज. अब आप एक बार फिर ताड़ासन देंगे. इंटरलॉकिंग फिंगर ओवर दी हेड गिव अ नाइस और फुल स्ट्रेच. फुल स्ट्रेच 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 एंड रिलीज. परफेक्ट. 5 गहरी सांस लीजिए. फिर हम सूर्य नमस्कार से आरंभ करेंगे. सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, आपकी एक्सटर्नल बॉडी को लचीला बनाने में, इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनल बॉडी को हेल्थी बनाने में बहुत लाभदायक है. चाहे आपके लंग्स हो, पैनक्रिया हो, किडनी हो, लीवर हो, आपको थायराइड हो, अस्थमा हो, सभी रोगों में लाभदायक है. लेकिन जिन्हें हायर लेवल की प्रॉब्लम है वो इसे बहुत सॉफ्ट करें और टीचर के गाइडेंस के अनुसार ही करें. टीवी में या यूट्यूब में देखकर योगा करना उन लोगों के लिए आसान है जो पहले से योग कर चुके हैं. जो फर्स्ट टाइम योग कर रहे हैं वो अपने टीचर से गाइड लेके ही करें. मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम योग कर रहे हैं टीवी या यूट्यूब से देखकर, वो अपने टीचर के गाइड लेके ही करें, क्योंकि दिखता कुछ है और होता कुछ है. आपको नहीं पता किस पोजीशन में ठहरना है. जिन्हें आता है उन्हें पता है किस पोजीशन में ठहरना है कितनी देर तक, तभी वो उसका लाभ ले पाते हैं. बाकी लोगों को नुकसान हो जाता है तो उन्हें योगा फायदा नहीं करता. सो आप देख देख कर करने का, सही जगह पोजीशन रखने का, बनाने का प्रयास करें जिससे आपको फायदा मिले. ठीक है, चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर. हाथ जोड़ते हुए सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं पहले. सो आर यू रेडी एवरीवन? Good. अपने आसन पे सबसे आगे खड़े हो जाएं, लाइक दिस. दोनों हाथों को जोड़ते हुए सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं. 3 बार मंत्र द्वारा उच्चारण, ताकि सूर्य देवता हमें ऊर्जा दे. और याद रखें सूर्य नमस्कार नंबर 1 वार्म अप एक्सरसाइज है पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल एक्टिव करने की. जो योग में कुछ नहीं करता वो सूर्य नमस्कार करके भी पूरी बॉडी को हेल्थी एक्टिव स्लिम बना सकता है. याद रखें योगा हमें पतला नहीं करता, योगा हमें मोटा नहीं करता, योगा हमें स्वस्थ करता है. स्वस्थ रहना ही लाभदायक है. जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है वो नॉर्मल हो जाएंगे और जो बहुत ज्यादा स्लिम पतले हैं वो एनर्जेटिक और हेल्थी भी बनेंगे सही डाइट द्वारा. सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट पोजीशन मंत्र द्वारा नमस्कार. ओम सूर्य नारायणाय नमः. ओम सूर्य नारायणाय नमः. ओम सूर्य नारायणाय नमः. ठीक है, सूर्य नमस्कार के 2 राउंड. इनहेल एक्सहेल पाम्स टुगेदर, दोनों हाथ जोड़ते हुए. नाउ इनहेल बोथ आर्म अप आर्च बैक, पुल बैकवर्ड, पूरा खिंचाव दें. आराम आराम से आगे आएंगे. बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप जॉइंट एंड पाम नेक्स्ट टू द फीट. नी लेग स्ट्रेट, दोनों पैर सीधे, पूरा खिंचाव दें. आपके आगे 2 अच्छे अनुभवी स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, एक स्टूडेंट हैं जिन्हें बॉडी में काफी पेन रहते हैं. तो देखिए बिगनर वाला इस तरह से आराम से कर सकता है और फुल फ्लेक्सिबल हेड को नी तक मिला सकता है लाइक दिस. और जो बिगनर है वो आराम से करें. ये योग में बिल्कुल न्यू है, इन्हें थायराइड और सर्वाइकल था, वो इनका योग करके दूर हो गया है.
मात्र 20 दिन में ही। सो आपके आगे दोनों है, राइट फुट बैकवर्ड, नी ऑन द ग्राउंड, सपोर्ट योर लोअर बैक एंड आर्च। कमर को सपोर्ट दे सकते हैं आराम से, जिससे आपकी स्पाइन लचीली फ्लेक्सिबल बने। वेरी गुड। नाउ अदर लेग बैकवर्ड एंड होल्ड अप पुशअप पोजीशन। शाबाश, आराम आराम से। नाउ नीज, पहले नीज रखेंगे, देन चेस्ट एंड चिन, हिप शुड बी अप। गहरी सांस लेते हुए उठे, इनहेल फुल कोबरा, हेड अप चेस्ट अप भुजंगासना। गहरी सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय लंग खिंच रहे हैं और उसके अंदर आप फ्रेश ऑक्सीजन को डालें तो क्या होगा, आपके लंग्स एक्टिव होंगे, जिससे आजकल जो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, जो कोविड डायरेक्टली लंग्स पर किल करता है लंग्स को, ये एक्टिव होगा। आराम आराम से अब हिप ऊपर उठाएं, माउंटेन पोज, हिप अप पर्वतासना। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार कर सकते हैं, पैर को सीधा, हाथों को सीधा रखना है, हील्स डाउन एंड टॉप ऑफ द हेड टू द ग्राउंड। वेरी गुड। सीधा पैर हमने पीछे लिया था तो सीधा पैर ही हम आगे लाएंगे, राइट फुट फॉरवर्ड एंड आर्च। यू कैन ट्राई द हनुमान पोजिशन, और बिगनर वाले हाथ ना भी उठाएं तो भी चलेगा। रिलीज, आराम आराम से अदर लेग फॉरवर्ड, दूसरा पैर भी आगे लाएं, पैरों को खींचे हाथों द्वारा, पुल फॉरवर्ड करें। सर्वाइकल वाले गर्दन पर फोर्स नहीं देंगे तो वो गर्दन सीधी रखेंगे, जैसे सामने आगे मनु जी ने रख रखी है। और जो फ्लेक्सिबल है येलो ड्रेस में संगीता जी, वो पुल फॉरवर्ड कर सकते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार। एंड बोथ आर्म अप, आर्च बैक, पुल बैकवर्ड। बहुत ही आराम से आपको सिखाया जा रहा है कैसे कैसे करना चाहिए सूर्य नमस्कार। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना अच्छा खिंचाते हैं, बाकी जितना हो सके सिर्फ उतना ही करें, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलीज। तो ये सूर्य नमस्कार का 12 आसनों का एक राउंड हुआ है, जिसे हम आधा राउंड कहते हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों को मिला के कपल में एक राउंड कहलाता है, राइट लेग के साथ और लेफ्ट लेग के साथ कपल के साथ एक राउंड होता है। तो इस तरह से आज हम 2 राउंड करेंगे, यानी 4 बार। ठीक है, स्टार्ट लेफ्ट लेग के साथ, आराम आराम से करें, नो नीड टू फोर्स। Relaxer palms together, both arm up, arch back, the full backward bend, stretch. Exhaling, bend forward from the hip and palm next to the feet. Very good. Now this time left foot backward, knee on the ground, support your lower back and arch. Arch. Very good. Release. Other leg backward and hold up push-up position. कमर सीधी होनी चाहिए, ये प्लंक पोजीशन भी कहलाता है। इससे आपकी कोर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, कमर की सारी नसों पे खिंचाव मिल रहा है अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो। एब्डोमेन पे फोर्स मिल रहा है, एक्स्ट्रा टनिंग जो बढ़ जाता है उसे घटाने में, पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनाने में अत्यंत लाभदायक है, हर योग का लाभ है। नाउ नी चेस्ट एंड चिन एंड हिप शुड बी अप, हिप अप, शाबाश। चिन को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी हिप को अप एंड डाउन, जिससे आपकी स्पाइन पर वर्क होगा और आप और ज्यादा लचीले फ्लेक्सिबल बनेंगे। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल द फुल कोबरा पोजीशन, रेज योर हेड अप, चेस्ट अप, अ फुल स्ट्रेच। रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंधे पीछे होने चाहिए भुजंगासन में। शाबाश। एक्सहेल द माउंटेन पोज, हिप अप। इनके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आसन को सही रूप से देख के करें। हील्स आपकी ऊंची नहीं होनी चाहिए, हील्स डाउन एंड टॉप ऑफ द हेड टू द ग्राउंड, हाथ सीधे पैर सीधे। नाउ द लेफ्ट फुट फॉरवर्ड एंड आर्च। एडवांस में आप वेरिएशन दे सकते हैं, हनुमान पोजीशन,
सिर्फ फर्स्ट राउंड में. वेरी गुड, रिलीज. देन द अदर लेग फॉरवर्ड, पुल फॉरवर्ड कीजिए पैरों को हाथों द्वारा. एंड बोथ आर्म अप, आर्च बैक, द फुल बैकवर्ड बेंड पोजीशन, पूरा खिंचाव, स्ट्रेच 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 एंड रिलीज. तो एक बार आप सभी के लिए तालियां. आपने एक राउंड सूर्य नमस्कार का बहुत अच्छा करा है. याद रखें, अगर आप यही राउंड रोज बढ़ाते चले जाएंगे, पहले दिन एक, फिर दो, फिर चार, फिर पांच, 10 राउंड अगर आप रोज करते हैं, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप हर काम को आसानी से करेंगे. आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना बढ़ जाएगा काम करने का, और शरीर के रोग भागेंगे आपके शरीर में से निकल के. जितनी स्वेटिंग होगी उतने शरीर के विकार निकलेंगे, टॉक्सिन क्लीन होंगे. तो टॉक्सिन कैसे क्लीन होते हैं? स्वेटिंग के जरिए, यूरिन के जरिए, वेस्टेरिया के जरिए. शरीर के टॉक्सिन निकलना बहुत जरूरी होते हैं. हम मिठाई, कोई भी चीज मिलती है, हम बहुत इजीली खा लेते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि पेट के अंदर जाने के बाद ये फंसेगी तो नहीं, सड़ेगी तो नहीं. तो उसके लिए योग करना बहुत आवश्यक है. तो ये हमने सॉफ्टली एक राउंड कराया है. मैंने जैसा बताया दो राउंड कराऊंगा, अब थोड़ा सा एक राउंड स्पीड के साथ करेंगे विदाउट वेरिएशन. ओके, फिर शवासन और आगे की एक्सरसाइज करते हुए. सो रेडी, इनहेल एक्सहेल पाम्स टुगेदर. जल्दी से करते हुए एक सीख लेते हैं. अगेन सूर्य नमस्कार, लास्ट टाइम. बोथ आर्म अप, आर्च बैक, पुल बैकवर्ड. सेकंड, एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, पुल फॉरवर्ड बेंड, पादहस्तासन. थर्ड, नाउ राइट लेग बैकवर्ड एंड आर्च. फोर्थ, अदर लेग बैकवर्ड, होल्ड पुश अप पोजीशन. फिफ्थ, नाउ नी चेस्ट एंड चिन. नी चेस्ट और चिन, हिप ऊंचे रहने चाहिए जिससे स्पाइन पर प्रेशर मिले. सिक्स राउंड, नाउ द गोइंग. सेवेंथ, इनहेल फुल कोबरा, फुल स्ट्रेच. एट, द माउंटेन पोज, हिप अप, हील्स डाउन, टॉप ऑफ द हेड टू द ग्राउंड. राइट लेग फॉरवर्ड एंड आर्च, सीधा पैर आगे. नाइन, अदर लेग फॉरवर्ड, दूसरा पैर भी आगे. एंड पोज आर्म अप, आर्च बैक. 11 एंड 12, रिलीज. सो 12 आसनों का मिश्रण है. अब बिना वेरिएशन के एक बार फिर देखें लास्ट टाइम, और ठीक है पूरी तरह. इनहेल एक्सहेल पाम्स टुगेदर. पोज आर्म अप, आर्च बैक. एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, पुल फॉरवर्ड. Left foot backward, arch. Other leg backward, hold push-up position. Knee, chest and chin, hip up. Inhale, full cobra. Exhale, the mountain. Left foot forward. Other leg forward. And pose on a arch back, pull backward, release. So, दो राउंड में आपकी बॉडी वार्म हो गई होगी अगर आपने किया होगा अच्छे से. पांच राउंड तो कम से कम बिगनर में रखने चाहिए, और 10 राउंड नॉर्मल हेल्थी लाइफ बनाने के लिए. अब थोड़ा सा शवासन देंगे हम, फिर उसके बाद लेग रेसेस से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके शरीर के बाकी रोगों पर फायदा मिलेगा. मैं हैंड टू हैंड समझाता चला जाऊंगा. तो शवासन दें, आपको एक मिनट का शवासन जरूरी है. रिलैक्स, शवासन में विश्राम कीजिए. तो लाई डाउन ऑन द मैट एंड जस्ट रिलैक्स इन अ शवासन. शवासन की पोजीशन होती है, पैर अलग अलग खुले होने चाहिए, हाथ दूर, आंखें बंद, और सारा ध्यान सांस पर केंद्रित करें. इनहेल एक्सहेल. शव आसन मीन डेड बॉडी, शरीर को पूरी निर्जल अवस्था में छोड़ दें, बिल्कुल शांत. रिलैक्स, नाउ ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर, इंटरलॉकिंग फिंगर ओवर द हेड. हाथों को ऊपर उठाते हुए
पैरों पंजों अंगूठों को सामने की ओर खींचा आप दें. गिव अ नाइस ऑफ फुल स्ट्रेच, एक अच्छा पूरा खिंचाव पूरे शरीर को देते हुए. स्ट्रेच 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 एंड रिलीज. अब हम आपको सिंगल लेग बेसिस बताने जा रहे हैं, जिससे आपके पैरों की प्रॉब्लम जो भी होगी वो दूर होगी. पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा. हम ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर वर्क कराएंगे, लेग टू हेड एंड हेड टू लेग. ठीक है, तो पहले सिंगल लेग रेसिस से बढ़ते हुए हाथों को बटक के पीछे रखें और एक एक करके पैर उठाएं. इससे आपके पैर मजबूत बनेंगे, नी पेन दूर होगा, एक्स्ट्रा फैट होगा अगर लेग थाइज में, टमी ज्यादा बढ़ना या बैक में, ये सब मजबूत बनेंगे. सो हमारे पैर बहुत मजबूत होने चाहिए पूरे दिन दौड़ने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लेग रेसिस. इनहेल, रेज योर राइट लेग अप, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए. एक्सहेल डाउन, रेज योर लेफ्ट लेग अप, एक्सहेल डाउन विद ब्रीथिंग. इनहेल राइट लेग अप, डाउन लेफ्ट लेग अप, डाउन राइट लेग अप, डाउन लेफ्ट लेग अप, डाउन राइट लेग अप, डाउन लेफ्ट लेग अप, डाउन. ध्यान से. नाउ रेज योर राइट लेग अप, बेंड योर लेफ्ट नी. पहले पैर को सीधा उठाते हुए पूरा खिंचाव देते हैं. रेज योर राइट लेग अप एंड कैच होल्ड द एंकल विद योर हैंड. ट्राई टू द फुल स्ट्रेच. दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता पूरे लेग थाइस मसल्स पर खिंचाव दें, जिससे आपकी बॉडी लेग थाइस में जितनी भी अकड़न है या ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगी. तो हेड को नी तक मिलाएं, पैर सीधा रखते हुए. हेड टू द नी, चिन टू द नी. नाउ बेंड योर राइट नी टुवर्ड टू द चेस्ट एंड होल्ड दी पोजीशन. नी बेंड करते हुए चेस्ट तक मिलाएं, हेड डाउन, शोल्डर रिलैक्स, हेड अप, चेस्ट अप. नाउ हेड टू द नी और चिन टू द नी. हेड या चिन को नी तक मिलाएं. Raise your right leg up. Give a nice or full stretch. पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पूरा खिंचाव. So, जिनके पैरों में swelling की problem, blockage हो जाती है, पैरों में चनके आते हैं या फिर cramp आ जाते हैं सोते सोते, वो problem दूर कर देता है. तो heels चलाएं, heels up and down, toe up and down. एक बार पैर को खींचते हुए head को knee तक मिलाएं और release करें. Like this. Head to the knee. And release, relax, shavasana. तो ये हुई हमारी सिंगल लेग रेसिस राइट लेग के साथ. इसी तरह लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे. इनहेल, रेज योर लेफ्ट लेग अप एंड गिव अ नाइस और फुल स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल. आहिस्ता आहिस्ता खिंचाव बढ़ाते जाएं, कोई जल्दबाजी ना करें और हल्के हल्के एक अच्छा खिंचाव जो आपके शरीर को एक्टिव रखें. हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, याद रखें, यानी छोटी बड़ी पाइपलाइन जिसमें ब्लड फ्लो होता है, कफ फ्लो होता है, वेस्ट एरिया, यूरिन, यू नो. सो सभी पे खिंचाव मिलता है और वो एक्टिव और क्लीन होती हैं. तो एक अच्छा खिंचाव देते हुए पैरों की सभी नसों पे खिंचाव दें. हेड टू द नी, चिन टू द नी. ये इंटरनेशनल सीक्वेंस में ऐड है जो आप कर रहे हैं. नाउ बेंड योर लेफ्ट नी टुवर्ड टू द चेस्ट एंड होल्ड. अराउंड द वर्ल्ड फॉरनर्स इसे बहुत ट्राई करते हैं और हमने फॉरनर्स को सिखाया भी है दिल्ली, गुड़गांव और केरला में. आप भी इसे फॉलो करें. नाउ हेड टू द नी एंड चिन टू द नी. जिन्हें सर्वाइकल बहुत ज्यादा है वो हेड ना उठाएं, खाली नी को खींच सकते हैं. नाउ रेज योर लेफ्ट फुट अप, गिव अ नाइस और फुल स्ट्रेच. पैर सीधा और उसे खींचे अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा. गिव अ नाइस और फुल स्ट्रेच, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड रिलीज. शवासन दें. बॉडी को एक अच्छे खिंचाव के साथ साथ पूर्ण शवासन, एक आराम की भी जरूरत होती है. तो थोड़ा सा रिलैक्स. ओ
अब हम चलते हैं डबल लेग रेसेस की ओर, ठीक है। डबल लेग रेसेस इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम सुधारने में और आपके शरीर के टॉक्सिन क्लीन करने में नंबर वन एक्सरसाइज है, याद रखें। लेकिन जिन्हें बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है वो इसे सिर्फ 5 बार करेंगे, बाकी 10 बार और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स। जिन्हें पेट की समस्या रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स की रहती है, प्रोस्टेट रहता है, यूरिन प्रॉब्लम रहती है, पीसीओडी, थायराइड, इनमें भी ये लाभदायक है। तो हाथों को बटक्स के पीछे रख लें और दोनों पैर एक साथ उठाएंगे आप। इनहेल, बोझ जलाएगा, सांस लेते हुए पैरों को उठाएं। एंड एक्सहेल डाउनवर्ड, शाबाश, कम से कम 10 बार। इनहेल अप, जमीन पे पैर ना रखें एडवांस वाले। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन विद ब्रीथिंग। सांस लेते हुए पैर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को छोड़े। तो वैक्यूम बनना है इंटरनल ऑर्गन्स में, एब्डोमेन में, हार्ट में, लंग्स में, वो और तेजी से आपकी इंटरनल मशीन काम कर रही है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कंटिन्यू, अप डाउन, अप डाउन, शाबाश, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड होल्ड। न्यू स्टूडेंट के लिए काफी है, एडवांस तो वही कितनी चाहे पढ़ा सकते हैं। अगर टमी जल्दी घटाना चाहते हैं तो रोज 10 से 20 डबल लेग रेसेस करें। अब क्या है, हिप जॉइंट जिनके स्टिफ हो गए हैं उनके लिए वेरिएशन जरूरी है, तो वो 3 बार लेग्स को खोलें और मिलाएं। सो लेग्स अपार्ट, लेग्स टुगेदर, लेग्स अपार्ट, लेग्स टुगेदर, लेग्स अपार्ट, लेग्स टुगेदर। जैसे मैंने बताया, शरीर में जितना अच्छा खिंचाव देंगे उतने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और शरीर की बॉडी मसल ज्वाइंट एक्टिव बनेंगे। So legs apart, legs together and release. मैं बता दूं, ये हजारों साल पुरानी योगा एक्सरसाइज है, ट्रेडिशनल योगा में ऐड है, जिसे संस्कृत में योगी लोग कहते थे उत्थान पादासना, पैरों का कंटिन्यू चलाना, और इंग्लिश में कहते हैं डबल लेग रेसेस, जो शरीर के रोगों को बढ़ाते हुए इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। अब जितना होल्ड करते हुए आएंगे उतना लाभदायक है, ये मेरा भी कहना है, योगियों का भी कहना है और आजकल डॉक्टरों का भी कहना है। सिविल लाइन में फेमस डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर अशोक, उन्होंने इस पर भी रिसर्च करी, उन्होंने भी हमें बताया कि ये डबल लेग रेसेस हमारे पैनक्रियास को खत्म करते हुए शुगर घटाने में लाभदायक और पेट के समस्त रोगों को दूर करने में भी। तो आप इसे जितना होल्ड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस लाएंगे उतना फायदा मिलेगा। काउंटिंग 10, होल्ड 9 8, शाबाश, होल्ड कीजिए, 7 6 5 4 3। एंड में जितना होल्ड करेंगे उतना प्रेशर मिलेगा एब्डोमेन पर, उतनी आपकी नाड़ियां क्लीन होंगी, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिड की समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। शवासना, रिलैक्स, विश्राम करेंगे, हाथ खोलते हुए, पैर खोलते हुए, आंखों को बंद रखें, शवासन में विश्राम। बहुत इजी टेक्निक के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं और आप योग द्वारा अपना जीवन बदल सकते हैं पूरा, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं। योग आज का बनाया हुआ नहीं है, इसकी उत्पत्ति का लोगों को दूर दूर तक पता नहीं है। पतंजलि योग सूत्रों द्वारा योग आया, जो कि योगियों ने अपनाया। योग को पतंजलि महर्षि ने योगा सूत्र पुस्तक में लिखा, जिसकी वजह से सभी योगियों ने करा। फिर तर्क वितर्क के कारण ये विद्या विलुप्त हो गई, जैसे कि आज के लोग भी तर्क वितर्क करते हैं कि योगा नहीं जिम अच्छा है, जिम नहीं ये अच्छा है, तो बेकार की बातों में जो शुद्ध विद्या जो होती है, याद रखें, वो विलुप्त हो जाती है। अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो टीचर कभी अपना ज्ञान नहीं देगा, वो विद्या विलुप्त हो जाएगी, शुद्ध विद्या, और क्या रह जाएगी, अज्ञानता। तो इसी अज्ञानता के कारण लोग शुद्ध विद्या को भूलते चले जा रहे हैं और आजकल बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। मुझे भी बचपने में योग करना पसंद नहीं था कि अरे ये तो बुढ़े लोगों का काम होता है, लेकिन जब इंसान बीमार पड़ता है और जब वो उसके फायदे अपनाता है कि डॉक्टरों में लाखों रुपया वेस्ट हो रहा है और मैं योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बना रहा हूँ बस थोड़ी सी मेहनत करके। हम लोग आजकल मेहनत ही तो नहीं करना चाहते, एक गोली पेट में जाए और सारी बीमारियां दूर हो जाएं। अगर आप निरंतर सूर्य नमस्कार करते हैं, डबल लेग रेसेस करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, रोज इन्हें
15 से 30 सेकंड होल्ड करते हैं, फिर देखिए हफ्ते दो हफ्ते में आपका शरीर कैसा हवाओं में उड़ता है, यानी खुलता चला जाएगा, आपको लगेगा अब मेरी बॉडी ज्यादा एक्टिव हो गई है। अब मैं आपको वो आसन बताऊंगा जिससे शरीर जल्दी खुले और आपको आराम ज्यादा मिले, मरकट आसन। तो पहले एक अच्छा खिंचाव देते हैं ताड़ासन की तरह, ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर, इंटरलॉकिंग फिंगर ओवर दी हेड, गिव अ नाइस और फुल स्ट्रेच, रिलीज। चलिए मरकट आसन के लिए बेंड योर नीज, दोनों घुटने मोड़ लें, आर्म्स अपार्ट, हाथों को खोल लें और नीज को राइट और लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट गिरेंगे। जैसे ही आप इसे करेंगे फिर आप मुझे, आप खुद ही महसूस कीजिए मुझे कहाँ कहाँ खिंचाव मिल रहा है और इसके फायदे कहाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ड्रॉप योर नीज राइट एंड टर्न योर हेड टू द अदर साइड, दोनों नीज को राइट साइड गिरें और लेफ्ट साइड की ओर हेड घुमाएं। आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है, घुमाना है, जैसे कपड़े धोते समय निचोड़ते हैं उसका सारा पसीना और सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, उसी तरह आपको, आप जो झुक के बैठते हैं, जो टीचर जो डॉक्टर 24 घंटे बैठे रहते हैं, कमर में बैक पेन हो जाता है, बैक पेन, सर्टिका, सर्वाइकल, उनके लिए ये नंबर वन एक्सरसाइज है। सर्टिका का डॉक्टरों पर भी इलाज नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको हफ्ते दो हफ्ते में ही फायदा मिल जाएगा। और आप हमारी पुरानी शिवानंदा की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें लोगों को फायदा हुआ है। अब इसे आप दूसरी साइड गिरे और विपरीत दिशा की ओर सिर को मोड़ेंगे और आप अब करते रहिए, कम से कम 5 से 10 बार खिंचाव देना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, करते रहिए और बताइए प्रेशर कहाँ मिल रहा है। प्रेशर मिल रहा है आपकी बैक मसल्स पर, जो झुक के बैठने के कारण स्टिफ हो गई है और ब्लड जम गया है, फैट बढ़ने लग गया, फिर वो पूरी बॉडी को फैटी हेल्थी बना देती है। इतना फैटी बढ़ता चला जाता है जितना आप झुक के काम करते हैं, या फिर आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी, सूखता चला जाएगा शरीर। तो उसमें ये मरकट आसन अत्यंत लाभदायक है और ये मेरे बताए हुए शब्द नहीं है, ये पतंजलि योग सूत्र पुस्तक में भी लिखा गया है। तो जिन लोगों पे योगा बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, वो अच्छे योगा टीचर द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। कीजिए, कंधे जमीन पे रहने चाहिए, दोनों घुटने जमीन तक मिले, ये पहला वेरिएशन है। उसके बाद मैं दूसरा वेरिएशन बताता हूँ जिससे हिप ओपन होंगे आपके। अभी क्या है, कमर खुल रही है। देखो योगा देखने से नहीं आता, योगा अभ्यास करने से आता है। जिस तरह मैं कह दूं कि एरोप्लेन के 4 बटन दबाओ और एरोप्लेन उड़ जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको निरंतर साइकिल चलाने से ही साइकिल आएगी, एक दो बार गिरोगे जरूर, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है। अच्छे टीचर से सीखोगे तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और सही दिशा मार्गदर्शन होगी। तो योग खाली शारीरिक पर ही वर्क नहीं करता, शरीर, मस्तिष्क और अध्यात्म पर वर्क करता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। अब पैरों को खोलें और सेकंड वेरिएशन करें, यानी दोनों पैरों को अलग अलग रखना है, नी दूर, हील दूर, और इसे ग्राउंड तक मिलाएं। अब बताइए कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, आपके हिप ज्वाइंट जो स्टिफ हो गए हैं वो खुलेंगे, घुटने जमीन तक मिलने चाहिए, नी ऑन द ग्राउंड एंड टर्न योर हेड टू द अदर साइड, विपरीत दिशा की ओर मुड़े, दीजिए 5 से 10 बार खिंचाव। दोनों साइड टर्न होते हुए खिंचाव देते रहिए, देते रहिए, और बताइए कि कहाँ मिल रहा है फायदा, मैसेज बॉक्स के जरिए। एंड रिलीज, रिलैक्स, शवासना। सो रिलैक्स योर नेक मसल्स, टर्न योर हेड साइड टू साइड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, रिलैक्स योर नेक एंड शवासन, रिलैक्स।
Now bring your legs together, hands together, interlocking a finger over the head. Give a nice a full stretch, full stretch, full stretch, and release. अब हम पेट के बल लेट जाए, हम करने जा रहे हैं मकर आसना, बैकवर्ड बेंड के पोसेस। जिन्हें कमर के रोग रहते हैं वो अत्यंत लाभदायक है। हेड आप इधर की साइड कर लें और पैर पीछे। दो आसन में आपको अत्यंत आराम मिलेगा, शवासन में और मकर आसन में। तो ये योग में सबसे आसान और अच्छे आसन है मकर आसना। हाथ आगे रखें, कंधे नीचे की ओर होने चाहिए, ध्यान दें। रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स द माइंड। पैर सीधे, कंधे नीचे। अगर सर्वाइकल है तो चिन आगे रखें तो आपको और आराम मिलेगा नेक पर। चलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड बेंड पोज इज अ भुजंगासना, कोबरा पोजीशन। हाथों को कंधे के नीचे रखा जाएगा, ठीक कंधों के नीचे, कोहनियां पीछे होनी चाहिए और गहरी सांस लेते हुए उठें। Inhale, raise your head up, chest up, give a nice or full stretch. अपनी पोजीशन अनुसार एक अच्छा खिंचाव दें अपनी स्पाइन और बैक पर। कुछ समय होल्ड कीजिए, फील द प्रेशर, द बेनिफिट्स। आहिस्ता आहिस्ता होल्ड करते हुए वापस आए। 5, 4, 3, 2, 1। आराम आराम से और मकर आसन में विश्राम। उसी तरह कोहनियां दूर दूर, कंधे नीचे, पैर सीधे और गहरी सांस लेते हुए शरीर को विश्राम दें। रिलैक्सिंग द बॉडी एंड माइंड। रिलैक्स। अब हम लोअर बैक पे वर्क करने जा रहे हैं, जो बैक पेन में रामबाण इलाज का काम करता है। अगर आप कोई भारी सामान उठा लेते हैं, कमर में चनका आ जाना, या काफी समय से आपके कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है जो नहीं जा पा रही है, कमर की नसें अपने पॉइंट से हट गई हैं, लोअर डिस्क पेन भी है, तो आप आराम आराम से इसे फॉलो कीजिए। तो हाथों को थाइस के नीचे रखें। हम चल रहे हैं शलभासना, इंग्लिश में कहते हैं हाफ लोकस, अर्ध शलभासना। सो वन बाय वन, इनहेल, रेज योर राइट लेग अप, एक्सहेल डाउन, रेज योर लेफ्ट फुट अप, down, right leg up, down, left leg up, down, right leg up, आराम आराम से वापस लाएं, slowly should be down, तो ज्यादा खिंचाव मिलेगा, left leg up, and exhale down. अब आप इसे hold करेंगे और जानिए कि मुझे कहाँ खिंचाव मिल रहा है। आपके abdomen और back के लिए number one exercise है। अगर यहीं पर pressure मिल रहा है, so You will be a very healthy. Raise your right leg up, bend your left knee and support to the right leg. Try to hold the position. See the pair uthaye. Bend your left knee. Aur dusre pair ke support karte hue ise hold kijiye. Ise kehte hain shalabhasana. Locus position. Upar wala pair bilkul seedha hona chahiye. So bend your knee, bend nahi karni hai. Aapko bilkul seedha pair rakhna hai. Knee straight. And hold the position. Keep breathing. 5, 4. थोड़ा थोड़ा hold करेंगे. 3, 2, 1. आहिस्ता आहिस्ता hold करते हुए वापस आए. 5, 4, 3, 2, 1. जितने कमर की सारी नसें
खींचते हुए अपने लेवल पर आ जाए, झुके रहने से वो अपने पॉइंट से हट जाती हैं, जो शलभ आसन उन्हें अपने लेवल पर लाता है। नाउ इनहेल रेज योर लेफ्ट फुट अप, बेंड योर राइट नी एंड सपोर्ट टू द लेफ्ट लेग, ट्राई टू होल्ड द पोजीशन एंड फील द प्रेशर दैट स्ट्रेच द मेन बेनिफिट। तो हमारी कमर की सभी नसों पे एक बहुत ही अच्छा खिंचाव मिल रहा है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हायर लूप में बढ़ाते हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को पूरा रोल घुमा सकते हैं। निरंतर अभ्यास द्वारा आप अपने पेट के समस्त रोगों को दूर करेंगे, कमर के समस्त रोगों को दूर करेंगे, और सर्वाइकल वालों के लिए भी अत्यंत लाभदायक, क्योंकि चिन आगे है और बैकवर्ड बैंड के पोसेस हर इंसान के लिए लाभदायक है, क्योंकि हर इंसान झुककर कार्य करता है और कमर झुकने लग जाती है और शरीर में रोग और पेट बढ़ने लग जाता है, पाचन क्रिया खराब होने से। अब आहिस्ता आहिस्ता होल्ड करते हुए वापस आए, आज मैं लाउड का स्टार्ट कर रहा हूं। कंप्लीट 5 4 3 2 1 प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, आपका मैडम बनाने के बाद हम फुल लोकस करेंगे, यानी अर्ध शलभासन के बाद पूर्ण शलभासन मकर आसन में विश्राम दें। जस्ट रिलैक्स। Softly and release makrasana, relax crocodile pose makrasana mein vishram। अब हम करेंगे काउंटर पोज, जिन्होंने ज्यादा खिंचाव दिया हो सकता है, उनके कमर में दर्द हो या पेन हो रहा हो, तो वो काउंटर पोज करके दूर कर सकते हैं। तो हाथों कंधे के नीचे रखें, काउंटर पोज कैट एंड डॉग स्ट्रेच, ऊपर उठें और हिप को हील तक लेके जाएं, हाथ पैर आगे पीछे नहीं लाने हैं, हिप को पीछे लेके जाएं, कैट एंड डॉग, स्पाइन को अपना वेव दीजिए स्नेक की तरह, लाइक दिस, जैसे स्नेक चलता है ना अप एंड डाउन लाइक दिस, इसी तरह आपको अपनी स्पाइन मेरुदंड को खिंचाव देना है, जो स्टिफ हो गई है उसे लचीला बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सारे इंटरनल ऑर्गन खींच रहे हैं, हार्ट, लंग्स, पैनक्रिया, किडनी, लीवर एंड गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोबोन। अब भुजंग और बाल आसन भी करें इसके बाद। सो लाइक फुल कोबरा एंड डाउन डॉग, फुल कोबरा एंड भुजंग आसन और हिप को हील तक लेके जाएं, आप बेसिक स्ट्रेच दे सकते हैं। अब आप वज्रासन में बैठ जाएं सभी लोग, वेरी गुड। याद रखें योग में अकेला यही एक आसन है वज्रासन, जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, छोटा बड़ा जवान। अगर आप इसमें 20 मिनट बैठ गए तो इसका मतलब है आप 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर आए, यानी आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है तब जब आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है और आप गहरी गहरी सांसें लेते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप टहल नहीं सकते कोविड होने की वजह से, तो आप घर पर वज्रासन में बैठें और इसी पोजीशन में बैठ के टीवी देखिए,
आप कोई भी काम कर सकते हैं, कमर सीधी रहनी चाहिए और गहरी गहरी सांस लें। इसके बाद फाइनल बैकवर्ड बैंड हम करते हैं कैमिल पोज, उष्ट्रासना, कमर सीधी, कमर को सपोर्ट करें। सभी लोग बिगनर वाले खाली कमर को सपोर्ट करेंगे और बाकी एडवांस वाले पैरों तक अपने हाथों को पहुंचाएंगे उष्ट्रासना और हाथों को पैरों तक ले जाएं। जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं वो खाली हिप को सपोर्ट करें या कमर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। गर्दन पीछे, हिप को आगे फोर्स करें और गहरी गहरी सांस लें। ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि लंग्स खींच रहे हैं और ऊपर से उसके अंदर अगर फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं तो अत्यंत लाभदायक है। याद रखें लंग्स पंपिंग के साथ हार्ट को प्रेशर देता है और हार्ट का काम है पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करना। लंग्स अच्छे होंगे तभी हार्ट अच्छा होगा, हार्ट अच्छा होगा तभी पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और पाचन क्रिया मजबूत होगी तो पूरा शरीर बनेगा और अगर गलत पोजीशन में बैठोगे तो पाचन क्रिया खराब होने से बिगड़ता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं, रिलीज और रिलैक्स हो जाएं। ज्यादा खिंचाव मिल गया तो आप बाल आसन चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। अब अंतिम में कुछ अच्छे एडवांस पोस्चर और बताना चाहूंगा मैं आपको। मैं संगीता जी से कहना चाहूंगा कि वो कुछ मुझे एडवांस एक्टिव पोस्चर करके इधर दिखाएं और बताएं, फिर मैं भी आपको कुछ अच्छे पोस्चर करके दिखाना चाहूंगा जैसे हेड स्टैंड, शीर्षासन, मयूरासन और अंजने आसन। हाँ आप अंजने आसन करके दिखाइए मैडम, लेट्स सी। Very good, very nice. Clap. आराम आराम से फुल स्ट्रेट। देखिए आप अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आप स्ट्रेच देके अपनी पूरी बॉडी को लचीला और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं आराम आराम से। Very good. शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता। तो जो सुपर फ्लेक्सिबल है पहले योगा कर चुके हैं वही ट्राई करें। न्यू स्टूडेंट इसे ट्राई नहीं करें। डोंट ट्राई एट दिस होम विदाउट टीचर गाइडेंस। एक योग टीचर का गाइड होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बेसिक बिगनर और इम्पोर्टेंट हेल्थी एक्सरसाइजें बताई हैं जिससे आप घर पे स्वस्थ हो सकते हो। ये एडवांस के लिए है, जो हमारे यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे साथ कंपटीशन कर सकते हैं और विदेश में भी अपना नाम कर सकते हैं। 21 जून को हमारी क्लास जापानीज योगा टीचरों के साथ हो रही है। आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इंटरनेशनल जापान का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और हमारे साथ भाग ले सकता है। यानी जापान के टीचर और इंडियन इंटरनेशनल योगा टीचर एक साथ मिलकर योग सिखाएंगे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया में योग होता है। बता दूं 21 जून ही योग के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून माना जाता है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सबसे ज्यादा तेजस होता है उस दिन, दिन सबसे बड़ा होता है। और एक दिन होता है जिस दिन दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है, वो होता है सबसे छोटा दिन जिसे आप 25 दिसंबर के रूप में मनाते हैं। और 25 दिसंबर जितनी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपने आर्म शोल्डर और शोल्डर को मजबूत बना सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। मेरी इंटरनेशनल क्लासेस तो मेरी कुछ कॉर्नर को मैंने कराया और अब वो इतने मोटिवेटेड हो गए हैं, वो रेगुलर करते हैं, वो टीचर बनकर विश्व भर में पढ़ा रहे हैं। आप भी इक्कीस जून इंटरनेशनल योगा डे के लिए आवर्ति में और उससे देख सकते हैं गूगल में सर्च करके हमारे क्लास में जा सकते हैं। लास्ट में और एक स्टेप बताऊंगा, इससे हमारा ब्रेन माइंड को प्रॉपर ब्लड मिलता है और वो एकदम एक्टिव हो जाता है और शरीर के समस्त
आपको मूव करने में दिखा रहा है, लेकिन टीचर के गाइड अनुसार ही आपसे पढ़े। पहले डॉटिंग की जाती है, आप body, relax the mind, completely relax, very very fast, inhale, exhale, inhale deeply, exhale completely, stomach seedhi honi chahiye, kandhe peeche, spine should be straight, focus on upper thigh, teen baar humko uchchara, inhale deeply, के अंदर से सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर छोड़ना है।
शरीर अंदर जाए और करीब ब्रेथ नाक के थ्रू बाहर निकले, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के थ्रू बाहर निकले। मुंह का कोई उपयोग नहीं है, नाक बंद करके इसमें आपके ध्यान लगा के माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें टमी भाग जाएगा और सांस भी भाग जाएगी तब गलत होगा, टमी अंदर जाना चाहिए और सांस नाक के थ्रू बाहर। कम से कम 100 से 200 पंपिंग वाले के लंग्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो ट्राई 100 से 200 पंपिंग, कम से कम बिगनर 50 से 100 पंपिंग भी कर सकता है। निरंतर अभ्यास से ही आपके लंग्स और इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, जैसा कि मैंने बताया। फ्रंट एरियल पंपिंग, मेमोरी पावर डेवलप करने के लिए सांस को रोकें।
the knee. Inhale deeply from the left most area and hold your breath. Focus on your breath. Right, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale deeply from the right. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. Concentrate. Left exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale deeply from the left. Going for the last round. Spine straight. Close your eyes. Focus on your third eye. Hold. Close the right exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale deeply. Hold the last breath. Concentrate.